नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। आज हम कवर करेंगे बिग बैश लीग के 26वें मैच को, जो कि मेलबर्न स्टार्स वर्सेस मेलबर्न रेगनेट्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, तो बात करेंगे किस तरह से मेलबर्न ग्राउंड की पिच रिपोर्ट्स रहती है, पेसर्स को जाता है अल्पया बैट्समैन को, और फिर कौन होगा आज के मैच का ट्रम्प कार्ड प्लेयर, और कौन होगा यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, सारी बातें वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पिच रिपोर्ट्स की बात करें तो इस पिच पर अब तक 61 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 28 और सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 32 मैच जीते हैं। एवरेज स्कोर्स की बात करें तो 161 का एवरेज स्कोर है इस पिच पर, और हाईएस्ट स्कोर 273 तक जा चुका है। लोअर स्कोर्स की बात करें तो 68 तक रह चुका है, यानी कि ठीक ठाक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। आप देख रहे हैं कि स्कोर 161 है एवरेज स्कोर। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से नीचे 25 बार, 150 से 170 के बीच 13 बार, 170 से 190 के बीच 18 बार, और 190 से ऊपर भी इस पिच पर 5 बार स्कोर बन चुका। रिसेंट मैच की बात करें तो जो इस पिच पर खेला गया था वो एसटीए वर्सेस एचयूआर के बीच खेला गया था, जिसमें एसटीए ने 183 रन बनाए थे और 5 विकेट लिए थे, जबकि हरी यानी कि होबार्ट हरिकेन्स 145 रन पर 9 विकेट गंवा दिए थे। तो फर्स्ट टाइम बैटिंग करते हुए चेंज किया था, और स्कोर्स की बात करें तो एवरेज स्कोर 161 का है, और लास्ट का मैच की बात करें तो उस पर 183 का T20 का जो मैच हुआ था 183 का स्कोर्स बना था। यानी कि कुल मिला के एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बाउंड्री जरूर शॉर्ट होती है, लेकिन पिच की बात करें तो स्पोर्ट्स पिच है, यानी कि बल्ले पर सीधी गेंदा रही है, और अच्छी खासी बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है, तो बैट्समैन को इस पिच पर अच्छी खासी हेल्प है। और बिग बैश लीग के भी हालिया मैच अच्छे खासे स्कोरिंग मैच हो रहे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी टीम बना सकते हैं। हेड टू हेड की बात करें तो दोनों के बीच 12 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से मेलबोर्न स्टार्स का पलड़ा भारी है। मेलबोर्न स्टार्स 15 और मेलबोर्न रेगनेट्स 7 मैच जीत चुकी है, तो आप मेलबोर्न स्टार्स को थोड़ा फेवरेट मानकर टीम बना सकते हैं। मेलबोर्न की प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, निक मेडिसन इस टाइम अवेलेबल नहीं है, इनकी जगह पर कोई दूसरा प्लेयर खेलेगा, ओपनिंग एरोन फिंच करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल मार्टिन गुप्टिल, हैंडस्कॉम्ब, एरोन फिंच, जे वेल्स, हार्वे, ए हुसैन, सदरलैंड, टॉम रोजर्स, मुजीबुर रहमान, के रिचर्डसन, ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। अब इनकी प्लेइंग 11 के परफॉर्मेंस की बात करें, रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है, तो दोस्तों निक मेडिसन तो खेलने वाले हैं नहीं, तो मार्टिन गुप्टिल ओपनिंग करेंगे, प्लेयर सच्चे हैं, हालिया परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं। आप देख रहे हैं कि 6 रन, 12 रन, 0 रन, और हम उन्हीं प्लेयर्स पर अपनी टीम लेते हैं जो प्लेयर सच्चे होते हैं और हालिया परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी है ओपनिंग कर रहे हैं तो कभी भी अच्छी खासी रन बना सकते हैं, और बैटिंग फ्रेंडली पिच है। मेरे हिसाब से मार्टिन गुप्टिल इस मैच में अच्छे खासे पॉइंट्स देकर जा सकते हैं। 3 नंबर पर आएंगे हैंडस्कॉम्ब, हालिया परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं, कभी कभी बैटिंग ऑर्डर भी इनका नीचे हो जाता है, विकेट कीपर ऑप्शन में है। अगर 3 नंबर पर आते हैं खेलने, क्योंकि लास्ट मैच में 3 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, उससे पहले 6 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, अगर हैंडस्कॉम्ब 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं तो ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स निकल सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल बल्लेबाज है, ज्यादा हिटर्स तो नहीं है, और विकेट कीपर ऑप्शन में है, जबकि विकेट कीपर ऑप्शन में दूसरा जो क्लार्क है जिसका सिलेक्शन 90% है, और हैंडस्कॉम्ब का सिलेक्शन 12 से 15% है। अगर हैंडस्कॉम्ब वन डाउन बैटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन पर ग्रैंड लीग में रिस्क ले सकते हैं। फिर एरोन फिंच की बात करें, हालिया परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा है, इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन भी बना रहे हैं, 65, 16, 36, 32, 4 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है, सिलेक्शन ठीक ठाक ज्यादा ही है, फिर भी आप बैटिंग फ्रेंडली पिच पर एरोन फिंच को लेकर चल सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर है। 5 नंबर पर जे वेल्स की बात करें दोस्तों, रिसेंट फॉर्म इनका उतना अच्छा है नहीं, हालांकि लास्ट 2 मैचों से जरूर 22-28 रन बना रहे हैं, 5 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो बहुत फ्लॉप हो रहे थे, हालिया परफॉर्मेंस 2 मैचों से 22-28 रन बना रहे हैं, 5 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है, तो फिर भी ठीक ठाक पिक रहेंगे, बाकी मैं कहूंगा कि इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर 6 नंबर पर हार्वे दोस्तों, ये टैलेंटेड है, लास्ट मैच में इनको खेलने का मौका मिला, 16 रन बनाए, हीटर्स हैं, आप एवरेज देख रहे हैं इस ग्राउंड पर 46 का एवरेज है इनका, हेड टू हेड भी इनका 53 का एवरेज है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो अच्छे खासे पिक रहेंगे, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग आती है तो अच्छे ऑप्शन होने वाले, और सिलेक्शन इनका भी 10% है, तो मेरे हिसाब से जो दूसरे ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं इस मैच में वो हार्वे होंगे, बैटिंग ऑर्डर 6 नंबर पर है, फिर भी अच्छे खासे पिक रहेंगे।
सात नंबर पर दोस्तों अकीला हुसैन आएंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं और बॉलिंग की बात करें तो जबरदस्त है इस बीबीएल में, अच्छा खासा रहा इनका। लास्ट मैच में तो इनको कोई विकेट नहीं मिला, उससे पहले 11 रन 2 विकेट 0 3 विकेट 30 रन 3 विकेट, विकेट टेकिंग बॉलर्स है तो ठीक ठाक प्लेयर्स रहेंगे, सिलेक्शन अच्छा खासा है तो अच्छे खासे रहने वाले हैं। सदरलैंड की बात करें तो दोस्तों शुरुआती दौर में तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अभी इनको बॉलिंग करने को मिली, पूरे 4 ओवर बॉलिंग करें और 4 ओवर बॉलिंग करें तो 1 विकेट से निकाल गए हैं तो अच्छे खासे रहेंगे, बैटिंग आती है तो वहां से भी पॉइंट देंगे तो ये भी ठीक ठाक ऑप्शन है। टॉम रॉजर्स की बात करें दोस्तों तो रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक ही है, ना ज्यादा विकेट्स ले रहे हैं और ना ज्यादा फ्लॉप हो रहे हैं, यानी कि 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं और 1 विकेट निकाल रहे हैं तो फिर भी मैं कहूंगा उतने अच्छे पिक होंगे नहीं, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है और बॉलर्स हमें कुछ ही लेकर चल सकते हैं, तो ज्यादा इंपैक्ट वाले हैं जिन पर रिस्क लिया जा सकता तो उनको ही लेंगे, टॉम रॉजर्स मेरे हिसाब से उतने अच्छे पिक होंगे नहीं। फिर मुजीबुर रहमान की बात करें दोस्तों हालिया परफॉर्मेंस इनका उतना अच्छा है नहीं, लास्ट के 2 मैचों से कोई विकेट नहीं मिला, उससे पहले 3 विकेट 1 विकेट, लेकिन लास्ट के 2 मैचों से कोई विकेट नहीं निकाल रहे हैं, स्पिनर्स हैं, सिलेक्शन कम है और पूरे 4 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, अगर रिस्क लेना चाहते हो ग्रैंड लीग में मिनी ग्रैंड लीग में तो मुजीबुर रहमान पर इस मैच में रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि लास्ट के 2 मैचों से तो कोई विकेट मिल नहीं रहा, इस मैच में इनको विकेट मिलने के चांसेस है, अगर 1 विकेट भी लेते हैं और सिलेक्शन बहुत कम है तो आपके लिए एक अच्छे खासे पिक रहेंगे। फिर दोस्तों केन रिचर्डसन की बात करें, हालिया परफॉर्मेंस इनका इस बीबीएल में उतना अच्छा रहा नहीं है जिस तरह के प्लेयर्स है, हालांकि लास्ट मैच में जरूर 2 विकेट लिए, हमने इनको लिया और हमेशा इनको लेकर चलेंगे क्योंकि ये टैलेंटेड है, अब लास्ट के मैचों से कुछ परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है, कहीं ये ना हो कि ये विकेट लेते लेते अच्छी खासी विकेट ले जाएंगे बीबीएल के अंत तक, तो इस प्लेयर्स को आप ट्राई करते रहे ना, कैप्टन वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर ये अब रहने वाले हैं। दोस्तों मेलबर्न स्टार्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो टॉम रॉजर्स, जे क्लार्क, बी वेस्टर, एन लार्किन, मार्कस टोनिक्स, कोटराइट, कैलावे, लुकवुड, लियाम हेचर, ट्रेंट बोल्ट और एडम जंपा, ये प्लेइंग 11 वाले, हो सकता है लियाम हेचर की जगह पर कुल्टर नाइल खेलते हुए दिखे, बाकी सेम प्लेइंग 11 वाले। अब परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं कि किस प्लेयर्स को लेने वाले हैं, तो टॉम रॉजर्स की बात करें दोस्तों सिलेक्शन इनका लास्ट मैच में तो 4% था, हमने अपनी टीम में लिया और इसी टीम ने हमारी जो फर्स्ट रैंक आई थी इसी टीम में फर्स्ट रैंक आई थी, तो अच्छा खासा मैच ये भी होगा। टॉम रॉजर्स अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, सिलेक्शन कम है और 30-32 के आसपास स्कोर्स कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रहेंगे तो ले सकते हैं। जोए क्लार्क की बात करें, रिसेंट फॉर्म इनका जबरदस्त रहा है बीबीएल में, तो ये भी विकेट की प्रोप्शन में सेफ ऑप्शन है, आप इनको टीम में लेकर चल सकते हो। व्यू एब्सेंस की बात करें तो हालिया परफॉर्मेंस इनका ठीक है, एक तो बैटिंग ऑर्डर इनका 3 नंबर पर है और दूसरा फिलहाल बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों अपॉर्चुनिटी है तो ये भी अच्छे खासे पिक करेंगे। मार्कस टोनिक्स की बात करें दोस्तों, लास्ट मैच में 74 रन बनाए 33 गेंदों पर, हमारे कैप्टन थे, कहा था कि चलेंगे तो कैप्टनसी की पारी खेलेंगे और सही समय पर हमने इनको कैप्टन बनाया, अच्छी खासी विनिंग हुई, बल्कि मिनी जेल में तो फर्स्ट रैंक आई थी और सुमो लीग तो वन साइड गई थी, मेगा ग्रैंड लीग में भी अच्छी रैंक आई थी, तो मार्कस टोनिक्स बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग में आप देख रहे हैं कि 74 रन बनाए हैं, उससे पहले तो उतना अच्छा स्कोर था नहीं, फिर भी मार्कस टोनिक्स आपके लिए अच्छे खासे पिक रहेंगे, कैप्टनसी वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर रहेंगे क्योंकि प्लेयर्स अच्छे खासे हैं। निक लार्किन की बात करें, 5 नंबर पर बैटिंग ऑर्डर है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं, फिर भी रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी उतने अच्छे पिक रहने वाले हैं। एच कोटराइट की बात करें, बैटिंग ऑर्डर 6 नंबर पर है, लेकिन ये अच्छे हिटिंग कर लेते हैं, मोस्टली टाइम स्कोर्स करते हैं, आप देख रहे हैं कि एक मैच में 36 रन भी बनाए, एक में 20, यानी कि ठीक ठाक प्लेयर्स हैं, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर कभी नहीं देखना अगर आप अच्छी टीम बना रहे तो, खासतौर पर मिनी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग बना रहे तो, कोटराइट अगर आपकी टीम में फिट बैठते हैं तो मैं कहूंगा आप इनको लेकर चल सकते हैं। सीख के अलावे की बात करें दोस्तों उतने अच्छे पिक होंगे नहीं, एक तो बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे है और बॉलिंग बॉलिंग कुछ मिल नहीं रही है तो ड्रॉप करेंगे। लुकवुड की बात करें, ये प्लेयर्स अच्छे हैं, लास्ट मैच में मैंने इनको ट्राई नहीं किया था, कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन इस मैच में अगर आप लुकवुड को ट्राई करना चाहते हो तो अच्छे, क्योंकि विकेट लेंगे बंडल में लेंगे, एक मैच में तो 5 विकेट ले रहे हैं, 3 विकेट ले रहे हैं, 2 विकेट ले रहे हैं, वो तो ठीक है, पिछले मैच में हमने रिस्क लिया तो अच्छा कामयाब गया, तो इस मैच में लुकवुड एक ठीक ठाक प्लेयर्स रहेंगे। लियाम हेचर दोस्तों ये उतने टेक्निकल नहीं है, ना ज्यादा अच्छे होंगे, इनकी जगह प्रोशक का कुल्टर नाइट खेले, हालांकि लास्ट मैच में जरूर इन्होंने 2 विकेट लिए, फिर भी लियाम हेचर उतने अच्छे पिक होने वाले हैं। ट्रेंट बोल्ट दोस्तों
अच्छे खासे बॉलर्स हैं, लास्ट मैच में एक विकेट लिया, विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, मोस्टली टाइम एक दो विकेट लेते हैं, डेप्थ में बॉलिंग करते हैं और फर्स्ट बॉलिंग लगती है तो अच्छे खासे विकेट लेंगे। सिलेक्शन इनका 40% है, तो ट्रेंट बोल्ट भी एक यूनिक प्लेयर है, मेरे हिसाब से आप इनको टीम में रख सकते हैं, मैं भी इनको अपनी टीम में लेकर चलूंगा। एडम जंपा की बात करें दोस्तों, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है जिस तरह के बॉलर्स हैं, और इस पिच पर थोड़ी ही पेसर्स को ज्यादा अल्प स्पिनर्स को नहीं है, फिर भी सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं तो अच्छे खासे पिक रहेंगे, नहीं तो एक डिसेंट पिक है। अब दोस्तों मैं ड्रीम इलेवन ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बता दूं कि मैं किस प्लेयर्स को अपनी टीम में ले रहा हूं और किस प्लेयर्स को मैंने ड्रॉप किया हुआ। तो ये हो गया टीम का प्रीव्यू। विकेट कीपर है इसमें जोए क्लार्क, हालांकि हैंडस्कोम को आप ट्राई कर सकते हो विकेट कीपर में, खासतौर पर मिनी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, क्योंकि फिलहाल उनका वन डाउन बैटिंग है, पिछले मैच में 3 नंबर पर बैटिंग करने आए थे, इसलिए आप ज्यादा टीमें बना रहे हो या ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग कह रहे हैं तो हैंडस्कोम आपके लिए अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो फिर आप 3 बैट्समैन ले लें दोस्तों, फिर आपको फिलहाल मैंने 1 विकेटकीपर 4 बैट्समैन, मार्टिन गुप्ती पर मैंने रिस्क लिया इस मैच में, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है क्योंकि एक तो इनका सिलेक्शन कम और प्लेयर्स अच्छे हैं ओपनिंग भी करे। फिर दोस्तों मैंने एरोन पिंच को लिया हुआ और कोटराइट को, कोटराइट का बैटिंग ऑर्डर जरूर नीचे है फिर भी मेरे हिसाब से अच्छे खासे पिक रहेंगे। टॉम रोजर्स सिलेक्शन कम है, प्लेयर्स अच्छे हैं, मैंने इनको एक बार फिर अपनी टीम में लिया, पिछले मैच में ठीक ठाक है। फिर मैंने मार्कस स्टोनिक्स को लिया हुआ दोस्तों ऑलराउंडर में, बी वेबस्टर और सदरलैंड। बॉलर की बात करें तो केन रिचर्डसन, ट्रेंट बोल्ट और अकिलोस है, चाहो तो आप मुजीबुर रहमान जैसा कि बात की थी इस मैच में अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, आप अकिलो हुसैन या फिर एक बैट्समैन को ड्रॉप करके एक मुजीबुर रहमान को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैंने ये टीम बनाई है। कैप्टनसी की बात करें तो मैंने मार्कस स्टोनिक्स और वाइस कैप्टन मैंने एरोन पिंच को बनाया। आप कैप्टन मार्कस स्टोनिक्स और वाइस कैप्टन व्यू वेबस्टर को भी बना सकते हो, या कैप्टन मार्कस स्टोनिक्स और वाइस कैप्टन केन रिचर्डसन को भी बना सकते हो, जो दूसरे अच्छे खासे पिक होंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, आप खुद से एक अच्छी टीम बनाकर मेगा ग्रैंड लीग, मिनी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग विन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं।